जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। ये लो पकड़ो। बाहर आ बलू, उस तरफ जंगल आ रहा है। बचाओ, मेरे पैर फंस गए हैं। जल्दी आओ बघीरा। शुक्रिया मोगली, मेरी जान बचाने के लिए। और तुम तो आज मरवा ही देते बघीरा। वही तो बघीरा, तुम मदद करने क्यों नहीं आए? मैं चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें पानी से परहेज है, पर तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में थी। नहीं, परहेज की बात नहीं है मोगली, मुझे पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है? तुम्हें अजीब लग रहा है पर मैं पानी से हमेशा घबराता हूँ। शायद तुम मेरी मदद कर सको। करना तो चाहते हैं पर पता नहीं कैसे करें, समझ में नहीं आता। मुझे इसका एक ही तरीका लगता है बघीरा, पानी में उतर कर ही पानी का डर भागेगा। मेरी नदी में मुझे ही बांध दिया, छोड़ूंगा नहीं इन सारी बच्चे को। चलो आओ बघीरा, ये बिल्कुल भी गहरा नहीं है। हाँ पता है, पर तुमने हमारी मदद मांगी थी, अब हमारी बात मानो बघीरा। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ। माफ करना, मुझे हिम्मत जुटानी होगी। बहुत अच्छे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, अब क्यों ना थोड़ा सा आराम किया जाए। सही कहा बघीरा। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, आखिर तुम पानी से इतना घबराते क्यों हो? वो मैं छोटा था तब डूबते डूबते बचा था। जान छूटी। तुम घुसपैठी है, हमारे घर उजाड़ दिया तुमने। हंसते खेलते परिवार का सुख चैन छीन लिया जुल्मी कहीं के। क्या बक रहे हो तुम दोनों? मिल गई सजा, आज के बाद हमारे इलाके में आने की जरूरत मत करना। क्या सोच रहे हो बघीरा, तुम पहले भी ये कर चुके हो, चलो फिर से करो। हाँ हाँ मोगली, थोड़ा सब्र तो करो। जितना रुकोगे उतना तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगा बघीरा। हाँ बात तो सही है। ये बात, चलो चलो अब थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करो। कहीं मैं बहता ना चला जाऊं। उसके लिए एक आइडिया है, ये लो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। हाँ
बच्चे, अच्छा कर रहे हो। बस हो गया, कुछ और काम करें। घबराने वाली कोई बात नहीं है बघीरा। मैं तैर नहीं रहा हूँ। क्या बात है, कमाल कर दिया बघीरा। पर मुझे डर लग रहा है, मुझे निकालो यहाँ से। अब कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें बघीरा के दिल से डर निकालना होगा। बस खुद से एक बात कहते रहो, अरे ये तो सिर्फ पानी है, मैं इससे नहीं डरता, मैं तो आराम से जाऊंगा, देखना डर भाग जाएगा। देखो बहुत मजा आता है। देखा ना, अब तुम्हारी बारी। अच्छा चलो मिलकर कूदते हैं, ठीक है? मैं भी। मुझे नदी का रास्ता बता सकती हो? नहीं नहीं, मुझे मत खाना। चाहो तो ये मेरी पैरीज खा लो। अरे नहीं, मुझे तो नदी में जाना है, मुझे वहाँ ले चलो। मैं तो खामखा डर रही थी। तो चलो, एक दो तीन कूदो। माफ करना, शायद ये डर कभी नहीं जाएगा। सही है, बस आगे बढ़ते रहो। नदी आ गई। शुक्र है, अब मेरी नाक से उतर जाओ। अब उस इंसानी बच्चे और उसके दोस्तों को मजा चखाऊंगा। इंसानी बच्चा यानी मोगली? पर उसे मजा क्यों चखाओगे? वो तो उसे ही पता है। मोगली, मोगली। तो ठीक है, एक दो तीन कूदो। देखा, आया ना जिंदगी का मजा? हाँ थोड़ा बहुत तो आया। मोगली, मोगली, वो जकाला तुम्हें मजा चखाने आने वाला है। क्या? मुझे बाहर निकालो, बचाओ बचाओ बाहर। तुमने कितना रो रहे हो बघीरा, अभी तो बहुत दूर है। शुक्रिया डाजी, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं जा रही हूँ बेरीज खाने। घबराओ मत बघीरा, हमें कुछ नहीं होगा। याद रखना, ये सिर्फ पानी है और हम पानी से बिल्कुल भी नहीं डरते। हाँ सिर्फ पानी है, मैं पानी से नहीं डरता। सिर्फ पानी है, पानी से मैं नहीं डरता, लेकिन मगरमच्छ से बहुत डरता हूँ। अरे रे, मेरे लिए तो रुको। बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से। मुझे निकालो, मैं फिर से कीचड़ में फंस गया हूँ। फिर से नहीं। बलू, लो इसे लपेट लो। आखिर तुम कर क्या रहे हो बघीरा? मैं नहीं डरता, ना पानी से और ना ही मगरमच्छ से। यहाँ इस तरफ आओ। मोगली, जब मैं कहूँ तब खींचना। मोगली, चलो खींचो। Ah!
छोड़ो मुझे जाने दो। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा अचार थोड़ा ही डालेंगे। क्या बात है, मान गए तुम्हें बघीरा। हाँ क्या बहादुरी दिखाई तुमने। और नहीं तो क्या, अब तो तुम्हारे मन से पानी का डर भी निकल गया। हाँ वो तो है, पर पानी में कोई और होता तो उसे बचाने के लिए मैं इतना जोश नहीं दिखा पाता। बस हो गया। बस इतना ही काम था मेरा। एक और काम है हाथी। हाँ? शुक्रिया हाथी, तुम्हारे इस काम के लिए कीचड़ का आराम छोड़कर आया था मैं। कभी तो मुझे बिना हाथी के मिलेगा इंसानी बच्चे। शुक्रिया हाथी। जंगल में किस पल कहां से खतरा आए नहीं पता मोगली। दल दल तक की दौड़ करेंगे। तैयार, चलो। ये चीटिंग है, जानवर इंसानों से तेज भागते हैं। अरे नहीं, कछुए धीरे हैं। नहीं लगी ना? यही तो शेर खान ने मुझ पर हमला किया था। नारियल पानी भी पूरा नहीं पीने दिया। ये क्या चीज है? मैं देखूं, मुझे दिखाओ ना। ओए रुको, मैं नहीं दूंगा, ये मुझे मिली है। बहुत फुर्तीली है। ये तो रबर ट्री है। शेरखान की खरोच से पेड़ का रस निकला और नारियल के अंदर इकट्ठा होकर जम गया। अब दौड़ना भूल जाओ बाला, आज हम खेलेंगे नया खेल। नहीं ले जा सकते। शांत हो जाओ, उसे वो कोई खाना लगा होगा मोगली। इसे पहले मैंने देखा था। तुमने यहाँ एक बॉल देखी? किसका बाल? बाल नहीं, बॉल। मेरी बॉल चुराने की सजा मिल गई ना तुम दोनों को? तुम्हें शर्म आनी चाहिए मोगली। इस बॉल के आने से तुम बहुत गुस्सा कर रहे हो। पहले हम पर किया, फिर चील पर, और अब बंदरों पर भी। जो भी बॉल को ज्यादा दूर फेंकेगा वो होगा विजेता। मोगली, हम कैसे फेंकेंगे? भेड़ियों के इंसानों की तरह हाथ नहीं होते। तो क्या हुआ, मेरी बॉल
मेरे रूल्स। ये गलत है, कोई भी जानवर अच्छे से बॉल नहीं फेंक पाएगा। बंदर तो फेंक सकते हैं। मतलब तुम इनसे भी गए गुजरे हो बाला। अच्छा है, तुम्हारी बारी लाली। देखते हैं बाला कुछ कर पाता है या नहीं। तुम इसे उछालो ना। बहुत अच्छे बाला। पर ये माना नहीं जाएगा क्योंकि बंदर ने तुम्हारी मदद की थी। दोस्तों द ग्रेट मोगली को देखो। मैंने सबको हरा दिया है। देखा, मैं तुम सबसे बेस्ट हूँ। है किसी में हिम्मत जो मुझे इस खेल में हराए। अब चलो लाली, इसे इसकी बॉल के साथ छोड़ देते हैं। तुम भी जाओ और अपना काम करो, अब मैं अकेला ही खेलूंगा। मुझे अपने साथ खिलाओगे बरखुरदार? खेलने के बाद तुम्हारा नाश्ता कर लूंगा। देखो मुझसे बदबू आ रही है, मैं बहुत दिनों से नहाया भी नहीं हूँ। मुझे स्वाद नहीं पेट भरने से मतलब है। देखो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। किस बात की चुनौती दो? इस बॉल की। मैं इसका चैंपियन हूँ समझे, तुम इसमें मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। इससे खेलने में तुम्हारा सारा जोश निकल जाएगा। क्या मजाक है, एक शिकार शिकारी को चुनौती दे रहा है। अगर तुम जीते तो मुझे खा लेना, पर अगर मैं जीता तो मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। देखो ना बाला, मोगली को बॉल मिलने से पहले हम कितने मजे कर रहे थे ना। उस बॉल की याद मत दिलाओ लाली। अरे मैं मोगली के बॉल को ऐसे भी फेंक सकता हूँ। अब तुझे दिखाऊंगा मुझे शेर खान क्यों कहते हैं। तुमने बॉल कहाँ फेंकी शेर खान, मुझे तो दिख ही नहीं रही। क्योंकि मैंने दूर फेंकी है बरखुरदार। कुछ बोला तो बोलने लायक नहीं रहोगे। नहीं, यहाँ भी नहीं है मोगली। मोगली, मोगली, बंदरों बताओ ना क्या हुआ। हम कुछ नहीं बता सकते, वरना शेर खान हमें खा जाएगा। शेर खान? वैसे हम तुम्हारे वाले निशान से आगे बढ़ आए हैं ना। हाँ, वो निशान यहाँ है। ये लो, बॉल मिल गई। मैं जीत गया इंसानी बच्चे। चल अब मुझे मेरा इनाम दे दे। तो ये बॉल तुम्हारे हाथ में ही थी है ना, तुम्हारे नाखून इसमें गड़े हुए थे, तुमने चीटिंग की। तो क्या, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। मुझे तो मतलब है तुझे खाने से। पहली बॉल पे ही आउट हो गया। ये बॉल तुम ही रखो शेर खान, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है।
ईशानी बच्ची। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, और माफ करना मैंने तुम दोनों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ऐसा मत कहो मोगली, पर अब तुम क्या खेलोगे? तुम्हारी बॉल तो गई। ओहो, बॉल के बिना भी हम बहुत मजेदार गेम खेल सकते हैं। जो पहले सभा वाले पत्थर तक पहुँचेगा वो ही जीतेगा। हा? हा? हेलो दोस्तों, मैं भी बैठ सकती हूँ? वैसे दाजी, इस टहनी पर सिर्फ बड़े पक्षी बैठ सकते हैं, छोटे परिंदों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। पता है दोस्तों, परसों की बात है, उड़ते उड़ते मैंने तो जंगल पार ही कर दिया था। मैं तो पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया था। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो उड़ने में इतना मस्त था कि दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। अच्छा, मैं तो चील से भी ऊंचा उड़ सकती हूँ, झूठ मत बोलो। साबित करो। अब रहने भी दो डार्जी, बड़े बनने के चक्कर में तुम कहीं गायब ना हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। एक पते की बात सुनो दाजी, छोटों को बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, वरना मुंह की खानी पड़ती है। दाजी, क्या हुआ तुम्हें? दोस्तों, मैं दूसरे पक्षियों की तरह बड़ी क्यों नहीं हूँ? ओ डार्जी, पक्षियों में बड़े छोटे सभी आकार के कई पक्षी होते हैं। पर मेरे जैसी छोटी का क्या काम, मैं तो बेकार ही हूँ। ऐसा मत कहो डार्जी, तुम तो बहुत प्यारी हो। तभी तो हमारी दोस्त हो, चलो हमारे साथ नदी तक पानी पीने चलते हैं। देखो, यही है क्या? हाँ हाँ, यही तो है। मैं तो बस इससे खेल रहा था और इसने मुझे काट लिया। तो ठीक है, चलो इसे सबक सिखाते हैं। कौन है? छोड़ दो मुझे, बंद करो। मेरे बच्चे को छोड़ दे। चलो यहाँ से निकल। कहाँ जा रहे हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ, वापस आओ। अरे नहीं। बलू, बड़े परेशान लग रहे हो जकाला। मेरा गजलगज, उसे बंदरों ने किडनैप कर लिया है। बंदरों ने? शैतान कहीं के, हर वक्त उधम मचाते रहते हैं। तुम मेरे बेटे को वापस ले आओ, मैं कोशिश करूंगा तुम में से किसी को ना खाऊं। फिक्र मत करो जकाला, हम उसे ले आएंगे, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम अलग अलग जाकर ढूंढते हैं। अच्छा आइडिया है बघीरा, तुम और बलू दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाओ, डार्जी और मैं उत्तर और पूरब की तरफ जाते हैं। तुम मेरी मदद भी चाहते हो? बिल्कुल डार्जी, तुम्हें आसमान से सब साफ दिखाई देगा। देख लेना, जैसे ही मेरे पापा आ जाएंगे तुम दोनों को चबा जाएंगे। अरे मैं तो डर ही गया, पर चबाने के लिए हमको पकड़ना तो पड़ेगा ना। हम तो तुझे इंसानों के बनाए गड्ढे में डाल देंगे, वहाँ जाने के बाद तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वो रहे वहाँ, अभी मोगली को बताती हूँ। अरे नहीं, ये गलत रास्ता है। मोगली, मुझे वो मिल गए। वाह, क्या बात है डार्जी, बताओ कहाँ है वो? इंसानों के बनाए गड्ढे के पास, जल्दी चलो।
छोड़ दो। ओ तेरे की इंसानी बच्चा, अरे निकल ले। जल्दी डाजी, उनके पीछे चलो। ओए, इस चंपू का मुंह दबा के रख। अरे काट मत। मैं तो कहता हूँ इसका यही काम तमाम करते हैं। हाँ, यही सही वक्त है। अब थोड़ा अंदर के मजे ले बच्चे। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये तो ग्रोजर ड्रम्स, नहीं ग्रोजर ड्रम्स, हाँ उसी की आवाज है। बचाओ बचाओ, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? अरे नहीं, मेरी नन्ही सी जान ये काम नहीं कर सकती, पर कोई है जो कर सकता है। मोगली को बुलाना होगा, आज तो बहुत काम कर दिया। अरे नहीं, बचाओ, कोई है? ये मेरी क्या मदद करेंगी? मोगली, मुझे गजलगट्स मिल गया, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ चलो डाजी, बताओ कहाँ है वो। मुश्किल है, पर कोशिश तो जरूर करूंगा। दूर जाओ, अभी टाइम नहीं है। गजलगट्स, तुम अंदर हो ना? अरे दूर हटो। उनके रहते मुगली नहीं जा पाएगा। देखो मधुमक्खियों, फूल यहाँ है। अब इन्हें चकमा देती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं तैरना नहीं जानती। बचाओ, 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 बचाओ मुझे, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ। ये तो डार्जी है। चलो, मैं निकालता हूँ उसे। नहीं बालू, मैं जल्दी करूंगा। ये तो पानी में फंसी है। कभी कभी एक तेंदुए को छोटी मोटी बहादुरी दिखानी ही पड़ती है। आगे मत बढ़ना। डरने की जरूरत नहीं, तुम बाहर आ सकते हो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, बाहर वो काली मधुमक्खियां हैं। वो चली गई। वहाँ सब ठीक है मोगली? ठीक तो है, पर गजलगट्स फंसा है और पता नहीं वो बहुत डर रहा है, पर मैं उसे बाहर निकाल ही लूंगा। मुझे कोशिश करने दो, मैं अंदर जा सकती हूँ। गजलक्रास्ट, मेरा नाम गजलगट्स है, तुम्हारा क्या है? मेरा नाम क्या है? हाँ, याद आ गया, मैं हूँ डार्सी और मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। अच्छा, पर वो मधुमक्खियाँ कहाँ गई? वो काटेंगी तो। मधुमक्खियाँ? हाँ, जो बाहर है। अरे वो तो कब की चली गई। पक्का कह रही हूँ ना? अरे हाँ, सब गई, पक्का वाला पक्का। मान गए तुम दोनों को। शुक्रिया मोगली, मुझे लगा मेरा एक बच्चा तो गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब डाजी ने किया। और अपना वादा मत भूलना जकाला।
तुमने मधुमक्खियों को दूर भगाया? हाँ क्या? और पानी में भी छलांग लगाई तुमने? हाँ नहीं तो क्या? मान गए तुम्हें। और क्या, तुमने गजलगज को भी बचाया? सब कुछ मैंने ही किया। वाह वाह वाह, मान गए। अच्छा फिर मधुमक्खियों का क्या हुआ? लगता है उन्होंने बंदरों से दोस्ती कर ली।